Hey guys, welcome back to my channel. So, मैं लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गई थी सोशल नेटवर्किंग ऐप से. मैं पूरे दिन इंस्टाग्राम टू यूट्यूब, यूट्यूब टू व्हाट्सएप सिर्फ इसमें ही स्क्रॉल करती रहती हूँ. तो मेरे को इस चैलेंज को लेना था इन विच आई विल नॉट बी यूजिंग इंटरनेट फॉर 24 आवर्स. और मे कुकर या तो मुझे पता है कि एक दिन चैलेंज लेने से मेरा कोई एडिक्शन कम नहीं हो जाएगा, बट आई रियली वॉन्ट टू डिटॉक्स माई सेल्फ, इसलिए मैं इस चैलेंज को ले रही हूँ. एंड वन मोर थिंग, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, आई एम एट माई कजिन्स फ्लैट. तो मेरे लिए मे बी ये चैलेंज अभी थोड़ा ईजी हो सकता है, बिकॉज अगर आप अपने घर में होते हो तो सारी चीज़ें आपके पास प्लान्ड होती है या फिर आपको पता होता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना. बट अगर आप किसी और के यहाँ पे होते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, आप कर लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो. बट मेरे को चैलेंज करना था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि क्यों ना इसे शूट करा जाए. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग फॉर द डे. हो रहे हैं सुबह के 8 o'clock एंड 8 o'clock मैं इस चैलेंज को स्टार्ट कर रही हूँ. तो अभी मैं नहाऊंगी एंड देन आई विल डू लाइक सम बेसिक स्टफ, नहाऊंगी, नाश्ता एंड ऑल, एंड देन लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ. गाइज आई एम बैक एंड मैंने ब्रेकफास्ट एंड रूम क्लीन दोनों कर लिया है. सो टू थिंग्स आर ऑलरेडी डन. अब मैं थोड़ा सा पैम्पर सेशन करूँगी अपने लिए, बिकॉज कल जब मैं बंजारा गई थी तो आई फील कि मैं बहुत ज़्यादा टैन होके आई हूँ वहाँ से. तो आई विल डू सम मास्किंग टुडे. एंड आप ऐसे ही वीकली करोगे तो बहुत ज़्यादा आप अच्छा फील करते हो. आई फील पैम्पर सेशन आर बेस्ट, लाइक आपको अपने लिए करना चाहिए. एंड उसके बाद आई थिंक आई विल ईट सम स्नैक्स एंड वॉच मूवीज टुगेदर, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग एप्स में स्विच करती रहती हूँ कि मेरे पास टाइम भी होगा मैं तब भी कोई मूवी नहीं देख पाती. तो मुझे बहुत टाइम से कोई मूवी देखने का मन था, तो मैंने कल ही 2-3 मूवी डाउनलोड कर लिए थे. तो उनमें से कोई एक देखूंगी एंड विल ईट स्नैक्स, फिर देखते हैं फिर क्या करते हैं. ले अभी तक तो आई फील गुड. एक दो बार फील हुआ कि नेट ऑन कर लेते हैं, बट फिर मुझे याद आ गया कि नहीं करना, बिकॉज आई एम डूइंग अ चैलेंज एंड आई वॉन्ट टू डिटॉक्स माई सेल्फ. तो थोड़ी बहुत क्रेविंग्स होती हैं, बट देखते हैं कैसा होता है. Done with my pampering session and I think I'm looking much much better than before. Now I will watch a movie and eat some snacks, then I will meet you guys. बैग एंड मैं बहुत देर बाद मिल रही हूँ. जब मैं आपसे लास्ट मिली थी उसके बाद मैंने छोटा सा नैप लिया था एंड देन आई वेंट आउट. आई हैड अ गुड टाइम विथ माई कजन सिस्टर. आई केम बैक होम एट 10 PM एंड उसके बाद मैंने अपना सारा सैनिटाइजेशन प्रोसेस किया. आई चेंज माई क्लोथ एंड नाउ आई एम ऑल सॉर्टेड. सो करेंटली इट्स 11 PM एंड आई एम हैविंग माई ग्रीन टी. सो अभी ऐसा कुछ खास है नहीं मेरे पास करने के लिए. सो आई थिंक अभी मैं अपने सिस्टर के साथ चिट चैट करने वाली हूँ
एंड आई हैड अ क्वाइट प्रोडक्टिव डे. मैंने कुछ आइडियाज भी जॉट डाउन करे हैं फॉर माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वीडियो. सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम देन प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. माई सोशल हैंडल इज राइट बिलो. सोने से पहले मैं काफी देर तक सर्फिंग करती हूँ फ्रॉम इंस्टाग्राम टू व्हाट्सएप टू यूट्यूब टू फेसबुक. बट आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली. तो लोग कहते हैं कि सोने से पहले फोन नहीं चलाना चाहिए, तो आज मैं नहीं चलाने वाली. तो मैं देखती हूँ कि क्या डिफरेंस आता है उठने के बाद. गुड मॉर्निंग गाइज. सो इट्स द नेक्स्ट डे. करेंटली इट्स 9:30 AM एंड मैंने मोर देन 24 आवर्स नेट नहीं यूज़ किया है. सो मुझे आज सच कुछ मेजर चेंज नहीं लग रहा है. अगर 1 वीक का लेंगे ना तो आई थिंक तब जाके कुछ मेजर चेंज दिखाई देगा. एंड इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी बिकॉज मैं बाहर भी चली गई थी, मैंने मूवी देख लिया था, सो लिया था, तो पूरा दिन ऐसे ही पास हो गया था. आई रियली इन्जॉय टेकिंग अप दिस चैलेंज एंड आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट विल मीन अ लॉट टू मी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.